हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू टुडे? आई विल रिवाइज यू एक्सरसाइज 2.4 एंड सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल कम्स फ्रॉम पॉली मीनिंग मेनी एंड नॉमियल्स मीनिंग मेनी टर्म। सो वी कैन से पॉलिनोमियल मीन्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मेनी टर्म्स। यहाँ एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। ए पॉलिनोमियल कैन हैव कांस्टेंट, जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको कांस्टेंट कहते हैं, जो अल्फ़ाबेट यूज होते हैं उनको वेरिएबल कहते हैं, और पावर यूज होते हैं जैसे वाई स्क्वायर तो इट इज एक्सपोनेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है बच्चों को, कोई दिया गया एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो उसकी थ्योरी हमने पहले लेक्चर में बता दिया है, एक बार यहाँ एग्जाम्पल से केवल समझा रहे हैं। अगर उसके सारी डिग्री पॉजिटिव हैं, होल नंबर हैं, तो पॉलिनोमियल है। अगर वेरिएबल के ऊपर के पावर अपॉन में है, माइनस में है, फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, तो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे 3xy पर -2 इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज द एक्सपोनेंट इज -2। 2 upon x plus 2 इज नॉट बिकॉज डिविडेंड इज नॉट अलाउड। 1 upon x भी पॉलिनोमियल नहीं है, और अंडर रूट x भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ x पर अंडर रूट मीन्स 1/2 पावर लग गया है। पॉलिनोमियल मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में टर्म के अनुसार डिवाइड किए जाते हैं। जैसे एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल। डिग्री, द हाइएस्ट पावर इन द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक बार फिर समझ लीजिए, द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल विथ ओनली वन वेरिएबल इज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दैट वेरिएबल। एक एग्जाम्पल दिया गया है, 4x³ - x + 3, लार्जेस्ट एक्सपोनेंट 3 है तो इसकी डिग्री 3 होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन पॉलिनोमियल, उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए, जैसे 3x² - 7 + 4x³ + x^6 है, तो इसको आप अगर लिख दीजिए एक हाईएस्ट डिग्री के अनुसार एक डिसेंडिंग ऑर्डर में, x^6 + 4x³ + 3x²-7। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। फैक्टराइजिंग इन अलजेब्रा, उसको मल्टीप्लिकेशन पार्ट में डिवाइड करने को फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे 6 × 2 × 3, या x² + 4x + 3 का फैक्टर x + 3x + 1 कैसे होता, अभी आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके लिए कुछ फार्मूलों का भी यूज कर सकते हैं, जैसे a + b, a - b होता है, a² - b² तो हम उसका अपोजिट यूज कर सकते हैं। सपोज के लिए w^4−16 है, तो यहाँ w²²-4² तो एक बार a² - b² का फार्मूला लगा है तो 2 ब्रैकेट में टूटा है। फिर w²-4 को w²-2 का स्क्वायर करवा दिया गया है, तो ये हो गया है w² + 4 w + 2 w - 2। ये सब आप पिछले क्लास 7-8 में पढ़ चुके हैं। यहाँ क्लास 9 में आपको जिस पे ध्यान देना है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल ax² + bx + c, स्प्लिटिंग मेथड का यूज करना है, एक एग्जांपल से समझा दिया जा रहा है, x² + 6x + 8। अब यहाँ आपका x² के साथ कोफिशिएंट 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो p + q 6 और p q 8,
मीन्स आपको दो नंबर ऐसा खोजना है जिनको प्लस करने पे 6 आए, मल्टीप्लाई करने पे 8 आए। तो एक दो मिनट में आप सोच सकते हैं 2 + 4। उसके बाद का प्रोसेस आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x + 8 के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 4x + 8, दो दो टर्म में कामन ले लेंगे। नाउ योर एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट। एक बार आप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले रिमाइंडर थ्योरम देख लीजिए। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड ए एनी रियल नंबर। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ए। इट मीन्स पी एक्स पॉलिनोमियल में एक्स के जगह पर ए पुट करने पर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वही उसका रिमाइंडर होगा। फैक्टर थ्योरम जस्ट रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है कि अगर एक्स माइनस ए से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो दिया गया पॉलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपको लेकिन इंग्लिश में लिखना है। एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन व्हिच आर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज ए फैक्टर एक्स प्लस 1। अभी जैसे हमने बताया, अब एक्स प्लस 1 मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 को पुट करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो यस लिखेंगे, अदरवाइज नो। आगे सोल्यूशन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फॉर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 वी हैव एक्स इक्वल टू माइनस 1। अगर हम एक्स प्लस 1 का 0 निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस 1 आएगा। पुट एक्स इक्वल टू माइनस 1 इन पी एक्स, वी हैव सीन दैट आफ्टर करेक्ट कैलकुलेशन वी गेट 0। आप सब लोग अपने रफ पे लगाइए और खुद कॉन्फिडेंस से लाइए आंसर को। इट मीन्स पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 देन द रिमाइंडर इज 0, इम्प्लाइ दैट एक्स प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसी तरह से आप दूसरा पार्ट देख सकते हैं। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, माइनस साइन पर अगर इवन पावर लगता तो पॉजिटिव हो जाता है, आठ पावर लगता तो निगेटिव रह जाता है। इस क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 नहीं आया बल्कि 1 आया है, सो इट इज़ नॉट फैक्टर ऑफ एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया है, आप लोग क्वेश्चन नोट करके खुद रफ पे कैलकुलेशन करिए। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन आर प्रॉब्लम यू कैन राइट इन माई कमेंट बॉक्स, आई एक्सप्लेन यू पर्सनली। यहाँ पर अंडर रूट लग गया है, कई बच्चे अंडर रूट डेसिमल देखते ही घबरा जाते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली एक्स के जगह पे माइनस 1 पुट करिए, माइनस 1 क्यूब माइनस माइनस 1 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2 + √2 इंटू माइनस 1 प्लस √2। एकदम बॉड मास रूल को भूलिए मत, तो आपका मैथ में कभी नंबर कम नहीं होगा। ब्रैकेट पहले सॉल्व करिए, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, इस सब चीज़ का ध्यान रखिए। आप देखेंगे माइनस वन प्लस 1 ब्रैकेट 2 + √2 + √2, ये सब कैलकुलेट करने पर लास्ट में बच रहा है 2 √2, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो एक्स प्लस 1 इज ए नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लाइक क्वेश्चन नंबर 1, यू कैन कैलकुलेट रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें पहले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट को सिर्फ एक्स प्लस 1 से चेक करना था और यहाँ हर क्वेश्चन में जी एक्स बदल गया है, लेकिन तरीका नहीं बदलेगा। पुटिंग, अगर हम लोग जी एक्स की बात करें एक्स प्लस 1, तो अगर 0 निकालते हैं एक्स प्लस 1 का तो एक्स इक्वल टू माइनस 1, आउटपुट कर दीजिए
तो हम लोग देख रहे हैं कैलकुलेशन के द्वारा, आप भी अपने रब पे करें। जीरो, सो जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब सेकंड पार्ट में जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू है, तो जीरो ऑफ एक्स प्लस टू इक्वल टू स्टूडेंट प्लस टू उधर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस टू इन पी एक्स, यू गेट टोटल रिमाइंडर आफ्टर कैलकुलेशन माइनस वन। माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, दस जी एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। यहाँ पर आपको एक्स माइनस वन इसका फैक्टर दे दिया है, इट मीन्स एक्स इक्वल टू वन पुट करने पर आपको रिमाइंडर जीरो करवाना ही है और उस हेल्प से की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे इस क्वेश्चन में जब हम लोग एक्स इक्वल टू वन पुट कर रहे हैं, वन क्यूब प्लस वन प्लस के इक्वल टू जीरो, इट मीन्स के प्लस टू इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट के इक्वल टू माइनस टू। वेरी सिंपल। थर्ड पार्ट थोड़ा सा देख लीजिए, कई बच्चे ने जैसे बताया ही, जैसे ही अंडर रूट या डेसिमल देखते हैं तो उनके सांस फूलने लगते हैं, वो सोचते हैं बहुत कठिन क्वेश्चन है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हियर एक्स माइनस वन से चेक करना है, तो एक्स माइनस वन का जीरो एक्स इक्वल टू वन, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एट द पुट द वैल्यू ऑफ वन एट द प्लेस ऑफ एक्स, वी गेट के इंटू वन स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू एक्स, के जगह वन पुट कर दीजिए प्लस वन, के माइनस अंडर रूट टू प्लस वन इक्वल टू जीरो इम्प्लाई दैट के इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस वन। क्वेश्चन नंबर फोर, फैक्टराइज दिस, आपको इसको फैक्टराइज करना है। कोशिश करिए स्प्लिटिंग मेथड का यूज करिए, अच्छे से यहाँ समझाया गया है। पहले जो भी इक्वेशन दिया जिसका फैक्टराइज करना, उसको कंपेयर करके एबीसी कैलकुलेट कर लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 12, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 7 और कॉन्स्टेंट 1, एबीसी कैलकुलेट कर लीजिए। फिर आपको जैसे हमने बताया पी क्यू कोई समझाता है, कोई भी मतलब दो नंबर लेना है इस तरह से, जैसे यल प्लस एम माइनस 7 आ जाए और यल इंटू एम 12 आ जाए, तो आप देखेंगे कि ऐसा नंबर आप अपने माइंड से सोच सकते हैं, माइनस 4 इंटू माइनस 3। उसके आगे का प्रोसेस बहुत ही आसान हो गया है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 प्लस 1। स्प्लिटिंग मेथड से 12x स्क्वायर और 4x में से 4x कॉमन ले लिया गया है, तो ब्रैकेट में बचा 3x माइनस 1, और 3x और प्लस 1 में से माइनस 1 कॉमन ले लिया गया है, तो एक ब्रैकेट में बचा 3x माइनस 1। जब ये दोनों ब्रैकेट सेम आए तभी आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए, अदरवाइज अपना कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए। अगर आप सही से फैक्टराइजेशन और कॉमन लेते हैं तो ये दोनों ब्रैकेट फॉर एग्जांपल 3x माइनस 1 3x माइनस 1 इक्वल आएंगे। इसी तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यहाँ ए गलती से 12 लिखा हुआ, आप उसको 2 रखेंगे, तो ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू 7, सी इक्वल टू 3। थोड़ा सा रॉन्ग है, अगर आप थोड़ा सा जानकारी रखते तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ पहली लाइन रॉन्ग है, दूसरी लाइन सही है। मतलब आपको दो नंबर ऐसा खोजना है, यल प्लस एम 7 और यल एम 6। इस क्वेश्चन में ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू माइनस 6। अब आपको दो नंबर ऐसे खोजने हैं, यल प्लस एम 5 हो जाए और यल टू एम माइनस 36 हो जाए। बहुत सी कॉमन बात है 36 का, अगर आप दो मिनट भी सोचेंगे तो आप खुद निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ तो दिया ही गया है 9 प्लस माइनस 4।
आगे का प्रोसेस आसान है, आप कॉमन ले लीजिए। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, वो ब्रैकेट जैसे 2x + 3 2x + 3 100% इक्वल आएगा, तभी आप समझिएगा कि आपका कैलकुलेशन सही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी फैक्टराइजेशन है, बस ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है, फैक्टराइजेशन थ्योरम से ही करना है। क्यूबिक पॉलीनोमियल को सॉल्व करने का दो तरीका है, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवाइज मेथड। इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन मेथड समझा रहे हैं, किसी और वीडियो में हम डिवाइड मेथड भी समझाएंगे। पहले तो कॉमन लेने की कोशिश करिए, इस क्वेश्चन में बहुत आसान हो गया है क्योंकि एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, तो एक्स कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और दूसरी तरफ इसको रीअरेंज करके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 2x² प्लस 2 में से कॉमन लिया गया है, तो आपका दोनों ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच गया है। इसको कोई दूसरे मेथड से भी कर सकता लेकिन आंसर सेम आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, तो देखो एक्स क्यूब का साथ लेने के लिए माइनस 3x² से एक एक्स स्क्वायर निकाल लिया गया है, तो माइनस 4x² हो गया है। अब माइनस 4x² का साथ लेने के लिए 9 में से माइनस 4 निकाल लिया गया, तो हाँ माइनस 5 बचा। कॉमन ले लिए तो तीनों ब्रैकेट में x + 1 x + 1 सेम आ गया है। अब हो गया आपका x + 1 x² माइनस 4x माइनस 5। अब ये x² माइनस 4x माइनस 5 को आप स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर दीजिए, दो नंबर ऐसा खोजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 5 आए और माइनस करने 4, तो वेरी सिंपल, माइनस 5 प्लस 1, इट इज आल्सो ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। x³ का साथ देने के लिए एक x² बाहर निकाले हैं, तो 13x² में 12 बचा हुआ है। 32 में से 12 का साथ देने के लिए 12 निकालें तो 20 बचा हुआ है, और आपके पास 20x का साथ देने के लिए 20 पहले से हाजिर है। दो दो टर्म बना के कॉमन लिया गया है, तो सब में x + 1 आ गया है, और सेकंड फैक्टर हुआ है x² + 12x + 20। अब इसको स्प्लिटिंग मेथड से कर दीजिए, आपको दो नंबर ऐसा खोजना है मल्टीप्लाई करने 20 आए प्लस करने 12 आए, तो ऐसा सिंपल नंबर है 10+2, क्योंकि 10 2 20। सिमिलरली फोर्थ पार्ट के लिए भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा अपने माइंड का यूज भाई करना ही पड़ेगा। यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड यू ऑल ऑफ यू कैन डू इट। 2y³ का साथ लेने के लिए माइनस 2y² में चाहिए ही, तो प्लस y² में से अगर हम माइनस 2y² निकालेंगे तो प्लस 3y² बचेगा। इसको रीअरेंज करके फैक्टर थ्योरम से करते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, टाइप ऑफ पॉलीनोमियल कांस्टेंट पॉलीनोमियल जिसमें कोई भी अल्फाबेट नहीं यूज होता है, लीनियर पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में डिग्री 2 होती है, यहाँ कुछ एग्जांपल भी दिया गया है, क्यूबिक पॉलीनोमियल में डिग्री 3 होती है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स।